पर जैसे कि देख सकते हो आप लोग, पोको X3 का डिवाइस है यहाँ पर। इस वीडियो में मैं इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ, यहाँ पर कौन से न्यू बग्स देखने के लिए मिले हैं यूज करने के बाद आफ्टर एंड्रॉइड 11 अपडेट के बाद। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा ये अपडेट अभी तक जिनको नहीं मिला है तो आप लोग इसको अभी कैसे अपडेट कर सकते हो, क्या ये आप लोगों को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा आप लोगों को और कितना वेट करना पड़ेगा सभी यूजर को अपडेट मिलने में, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप लोग पोको X3 का डिवाइस यूज करते हो तो यार बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो गाइज यहाँ पर अगर बात करूँ पोको X3 के न्यू अपडेट के बारे में, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पोको X3 के लिए एंड्रॉइड 11 का अपडेट फाइनली रोल आउट होना स्टार्ट हो गया। MIUI 12.0.1.0 का अपडेट देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आ रहा है मतलब एंड्रॉइड 11 अपडेट मिलता है। इसकी साइज की बात करूँ तो 2.3 GB की साइज देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये मेजर अपडेट है तो यहाँ पर आप लोगों को एंड्रॉइड 11 अपडेट मिलता है इसलिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके अलावा सिक्योरिटी पैच अपडेट तो यहाँ पर एक मंथ पुराना मिलता है, यानी कि May 2021 का है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट यहाँ पर आप लोगों को एंड्रॉइड 11 अपडेट मिल जाता है। इसके अलावा स्टेटस बार नोटिफिकेशन शेड में आप लोगों को थोड़े बहुत चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बता दिया, यानी कि उसके टॉप फीचर्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। आप लोगों को आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देख लेना, आप लोगों को वहां पर पता चलेगा कौन से न्यू फीचर मिलते हैं एंड्रॉइड 11 अपडेट के बाद। लेकिन अगर मैं बात करूँ एंड्रॉइड 11 अपडेट को, तो जिन्होंने अपडेट के लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला तो कब तक मिलेगा आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन उस अपडेट के बाद आप लोगों को कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पर अब बीच बीच में थोड़ा लैगिंग इशू देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि मैंने 120 पर भी कर दिया है इसको अप्लाई, लेकिन फिर भी मुझे बीच बीच में यहाँ पर लैग इशू देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इशू मुझे फेस करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि ज्यादा हो रहा है, लेकिन हाँ बीच बीच में ये इशू देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि लैग इशू यहाँ पर है इस अपडेट के बाद। यहाँ पर काफी यूजर के कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर पोको X3 में क्या लैग इशू है, क्या हैंग इशू है। तो यहाँ पर आप लोग एंड्रॉइड 11 अपडेट तो काफी अच्छा है, कुछ फीचर्स भी मिले, बट यहाँ पर फीचर्स के साथ आप लोगों कुछ यहाँ पर लैग वगैरह जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जिनका भी डिवाइस लैग वगैरह कर रहा है तो यहाँ पर आप लोग ये एंड्रॉइड 11 अपडेट के बाद मिला है। एक बार चाहे तो आप लोग अपने डिवाइस को रिसेट कर लो तो शायद फिक्स हो जाए, नहीं होता है तो यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट का ही वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैटरी किस टाइप की देखने के लिए मिल जाती है, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ बैटरी में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर बिल्कुल UI बिल्कुल वैसा ही मिलता है, कोई नए चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। बैटरी बैकअप की बात करूँ, बैकअप किस तरीके का देखने के लिए मिलता है तो मुझे एवरेज लगा है, कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं मिले, जैसा पहला था बिल्कुल वैसा ही है। अगर बात करूं तो बैटरी मुझे एवरेज लगी है जैसी पहले अपडेट में थी, वैसे के वैसे ही गाइस यहां पर आप लोगों को एंड्रॉइड 11 में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी है बैटरी में, जो पहले यूज कर रहा था बिल्कुल अभी वैसे यूज कर रहा हूं। यहां पर जिनके पास पोको X3 का डिवाइस, अगर आप लोगों ने एंड्रॉइड 11 अपडेट कर लिया तो आप लोग मुझे जरूर बताना आप लोगों का बैटरी ड्रेन का इशू देखने के लिए मिल रहा है या फिर कोई चार्जिंग इशू देखने के लिए मिल रहा है या फिर नहीं, आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके अलावा गाइस यहां पर अगर बात करूं हीटिंग इशू वगैरह देखने के लिए मिलता भी है या फिर नहीं, तो आप लोगों को बता दूं यहां पर मुझे फिलहाल कोई भी हीटिंग इशू देखने के लिए नहीं मिलता। मैंने कवर निकाल के इसको यूज किया है, कोई भी मुझे हीटिंग इशू वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता। अच्छे तरीके से वर्क करता है, यहां पर एनिमेशन काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं, स्मूथनेस देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन जो बीच बीच में लैग इशू हो रहा है वो एक प्रॉब्लम वाली बात है, तो उसको आप लोगों को फेस करना पड़ेगा अगर आप लोग एंड्रॉइड 11 अपडेट यूज करते हो तो। इसके अलावा गाइस यहां पर अगर आप लोग कैमरे में जाते हो तो कैमरे में अगर मैं जाऊं यहां पर मोर में, तो मोर में आप लोगों को एक व्लॉग मोड वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, जो कि डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है व्लॉग मोड का। इसमें आप लोग जाओगे तो यहां पर आप लोगों को थोड़े से टेम्पलेट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले तो इसको डाउनलोड हो रहा है, मतलब यहां पर डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद अगर व्लॉग मोड में जाते हैं हम लोग तो क्या नया मिलता है, देख सकते हो यहां पर इस टाइप के आप लोग थोड़े से टेम्पलेट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, थोड़े से अलग टेम्पलेट मिल जाते हैं, मतलब इस टाइप के जो फीचर्स आप लोग को व्लॉग मोड में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहां पर कुछ फीचर पहले से ही देखने मिलते थे, यहां पर कुछ नए ऐड किए गए, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इस अपडेट की जिनको नहीं मिला तो आप लोग कैसे इसको अपडेट कर सकते हो, सबसे पहले तो गाइज यहां पर आप लोग जो अपडेट है फिलहाल के लिए पायलट यूजर को रोल आउट किया गया था, यानी कि कुछ ही यूजर को देखने के लिए मिलता है, काफी लिमिटेड यूजर को। यहां पर ये जो अपडेट है, अगर अपडेट में सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ये अपडेट आप लोग 15 दिन में फिर से रोल आउट हो जाता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग 1 वीक का वेट करो। मैंने तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा बताया, बट 1 वीक के बाद ये अपडेट फिर से सभी यूजर को मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पब्लिक यूजर को। तो यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं इस अपडेट को आकर, तो आप लोगों को और 5-6 दिन वेट कर लेना, आप लोगों को 5-6 दिन बाद फिर से ये पब्लिक यूजर को अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल यूजर को भी अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपडेट आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना। अब यहाँ पर आप लोग वेट कर सकते हो तो कर सकते हो, यहाँ पर इसकी जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी, अगर आप लोग मैनुअली अपडेट करना चाहते हो तो मैनुअली तरीके से अपडेट कर सकते हो। फिर आप लोग थोड़ा सा वेट करो, पब्लिक यूजर को रिलीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली OTA के थ्रू आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हो तो लिंक दे दी मैंने टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना फ्यूचर में सभी अपडेट्स की लिंक वगैरह पाने के लिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो।